अभागे का स्वर्ग शरदचंद चट्टोपाध्याय पिछले वीडियो में आपने सुना था। इतना प्यार एक दिन में ही इतना बड़ा विश्व हो सकता है, इसे वो सोच भी नहीं सका। चलिए अगले वीडियो की ओर शुरू करते हैं। बचपन से जिन दो व्यक्तियों का कभी एक क्षण के लिए भी विचेत नहीं हुआ, भाग्य की विडंबना से आज एक माह से अधिक का समय बीत गया है, किसी के साथ किसी का साक्षात्कार नहीं हुआ। माशोय यह कहकर अपने को समझाने की चेष्टा करती है कि यह एक तरह से अच्छा ही हुआ कि जो मोह का जाल इतने लंबे समय से उसे कठिन बंधन में बांध कर रखे हुए था वह टूट गया और उसके साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। इस धनी कन्या की उद्यम प्रकृति ने पिता के समय में भी कई बार ऐसे ही अनेकों काम करना चाहे हैं, जिन्हें वो केवल एकमात्र गंभीर और संयंत्रित वातिन की विरक्ति के भय से ही नहीं कर पाई है। परंतु आज वह स्वाधीन एकमात्र स्वयं अपने मालिक हैं, कहीं भी किसी के भी समीप और लेश मात्र भी जवाबदेही नहीं करती है। इसी एक बात को लेकर उसने मन ही मन अनेक उधेड़ बुन अनेक जोड़ तोड़ की, परंतु एक दिन के लिए भी कभी अपने हृदय के निगूढ़तम ग्रह के द्वार को खोलकर नहीं देखा कि वहां क्या है। देखने पर देख लेती, अब तक वह स्वयं को ही ठगती आई है। उस निवृत्त गोपन कक्ष में दिन रात दोनों ही आमने सामने बैठे हुए हैं, प्रेमालाप नहीं कर रहे हैं, कलह नहीं कर रहे हैं, केवल चुपचाप दोनों की आंखों से आंसू बहे चले जा रहे हैं। अपने जीवन का यह एकांत करुण चित्र ही उसके मन की आंखों से अगोचर था। इसीलिए इस बीच घर में उसके अनेक उत्सव रात्रियों के निष्फल अभिनय हो गए। पराजय की लज्जा ने उसे धूल के हाथ नहीं मिला दिया, परंतु आज का दिन ठीक उसी तरह नहीं कटना चाहता, क्योंकि वही बात कहेंगे, जन्म तिथि के उपलक्ष में प्रतिवर्ष उसके घर में एक आमोद आह्लाद और भोजन दान का अनुष्ठान होता है। आज वही आयोजन कुछ अतिरिक्त आडंबर के साथ हो रहा है। घर के दास दासी से शुरू करके पड़ोसियों तक ने आकर योग दिया है, केवल उसका स्वयं का मन किसी काम में नहीं लग रहा। सवेरे से ही आज उसके मन को लग रहा है सब व्यर्थ है, सब पाखंड है। न जाने कैसे इतने दिनों तक उसे ये लगता रहा कि वह भी दुनिया के अन्य सभी लोगों की भांति है, वह भी मनुष्य है, वह भी ईर्ष्या से परे नहीं है। उसके घर में यह सब जो आनंद उत्सव के अपर्याप्त और नए नए आयोजन हो रहे हैं, इनकी बात क्या उसकी बंद खिड़की को भेद कर उस निवृत्त कक्ष में जाकर पहुंचती नहीं है? उसके काम में क्या बाधा नहीं देती? संभव है वह अपने तुलिका को छोड़कर कभी स्थिर होकर बैठता हो, कभी अस्थिर द्रुत पदों से घर के भीतर घूमता हो, कभी निद्रा विहीन तप्त शैया पर लेटकर सारी रात जला मरता हो, कभी और किंतु छोड़ो इन सबको, कल्पना में प्रतिदिन माशोय एक प्रकार का तीक्ष्ण आनंद अनुभव करती थी। परंतु आज अचानक मन को लग रहा है कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके किसी भी काम में उसे कोई विघ्न नहीं पड़ता, सब मिथ्या है, सब धोखा है। वह पकड़ना भी नहीं चाहता, पकड़ाई भी नहीं देना चाहता। वह कैसी दुर्बल देह अकस्मात किस प्रकार मानो एकदम पहाड़ की भांति कठिन और अचल हो गई है, कहीं की कोई भी झंझा उसे रत्ती भर भी विचलित नहीं कर पाती। परंतु तो भी जन्म तिथि के उत्सव का विराट आयोजन आडंबर सहित चल रहा है। पोथीन आज सब जगह सब कामों में लगा था, यही क्यों परिचितों के बीच एक कानाफूसी चल रही थी कि एक दिन यही व्यक्ति इस घर का स्वामी हो जाएगा, एवं जान पड़ता है वह दिन अधिक दूर भी नहीं है। गांव के स्त्री पुरुषों से मकान भर गया, चारों ओर आनंद कलरव, परंतु जिसके लिए ये सब है वही मनुष्य अनमना है, उसी का मुख निरानंद की छाया से आच्छन्न है। परंतु यह छाया बाहरी किसी व्यक्ति की आंखों में प्राय नहीं पड़ी, पड़ी केवल
घर के दो एक पुराने दास दासियों की आंखों में और पढ़ी शायद उनके जो अलक्ष होने पर भी सब कुछ देख लेते हैं, केवल वे ही देखने लगे। इस लड़की के समक्ष आज सब केवल विडंबना है। इस जन्मतिथि के दिन प्रतिवर्ष जो व्यक्ति सबसे पहले चुपचाप उसके गले में आशीर्वाद की माला पहना देता था, आज वह व्यक्ति नहीं है, वह माला नहीं है। उस आशीर्वाद का आज नितांत अभाव है। माशोई के पिता के समय के एक वृद्ध ने आकर कहा, छोटी बिटिया कहाँ है, उसको तो देखा ही नहीं। बूढ़ा कुछ समय पहले ही नौकरी से अवकाश ग्रहण कर चला गया था, उसका घर भी उसके गांव में था। इस मनमुटाव की बात वह नहीं जानता था, आज आकर दास दासियों से सुना था। माशोई उद्धत भाव से बोले, देखने की जरूरत है, उसके घर जाओ, यहाँ क्यों आए। ठीक है, वहीं जाता हूँ, कहकर वृद्ध चला गया। मन ही मन कह गया, केवल उसे केवल देखने से तो काम नहीं चलेगा, तुम सब व्यक्ति को ही मैं एक साथ देखना चाहता हूँ, अन्यथा इतना व्यर्थ ही चलकर आया हूँ। परंतु बूढ़े के मन की बात इस नवीनता से छिपी नहीं, उस समय तक एक प्रकार की सचकित अवस्था में ही सब का अपना वक्त काट रही थी। सहसा एक दबे हुए कंठ का अस्पष्ट स्वर सुनकर देखा, वाथिन, उसके सर्वांग में बिजली दौड़ गई। परंतु पलक मारते ही उसने स्वयं को संभाल लिया, वो मुंह फिराकर अन्यत्र चली गई। थोड़ी देर बाद बूढ़े ने आकर कहा, छोटी बिटिया जो भी हो तुम्हारा अतिथि है, एक बात भी नहीं करोगी। परंतु तुमसे तो मैंने उला लाने को नहीं कहा था, यह तो मुझसे अपराध हो गया है, कहकर वो लौटा जा रहा था। माशोई ने पुकार कर कहा, अच्छा मुझे छोड़कर और भी तो लोग हैं, वे तो बात कर सकते हैं। बूढ़ा बोला, वे कर सकते हैं, परंतु अब आवश्यकता नहीं, वे चले गए हैं। माशोई क्षण भर को स्तब्ध रह गई, तदुपरांत बोली, अहो भाग्य, नहीं तो तुम भी तो उनसे खाकर जाने की बात कह सकते थे। नहीं, मैं इतना निर्लज्ज नहीं हूं, कहकर बूढ़ा नाराज होकर चला गया।